दोस्तों आज की कहानी एक ठरकी बावले मजनू बुड्ढे की है, जिसके कर्म कांड को देखकर तुम भी फेल हो जाओगे। जिसने अपने पड़ोस में आई नई भाभी को पलंग तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, और जहां कहीं भी ठुकाई होती है ये बुड्ढा अपना औजार लेके वहां पहुंच जाता है, और आखिर में ये बुड्ढा उसके साथ पलंग तोड़ ही देता है। तो चलिए देखते हैं इस ठरकी बुड्ढे के ठरकी कांड को। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो फेसबुक पर भी देखनी है तो आज ही मेरा फेसबुक पेज भी फॉलो कर लो, यार लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जल्दी पर वीडियो देखने के बाद। तो चलिए देखते हैं इस बुड्ढे के काले कांड को। मूवी की शुरुआत इसी ठरकी बुड्ढे के साथ होती है, जो कि ब्रेड बनाता है, जिसके ब्रेड पूरे शहर में फेमस है। एक दिन ये ठरकी बुड्ढा अपनी गर्लफ्रेंड की याद में ब्रेड जला देता है। तभी उसकी बीवी कहती है, ये क्या बना दिया, ये ब्रेड है या दो बड़े बड़े तरबूज, किसकी याद में जला दिए। तो इस पर वो बुड्ढा बोलता है, कहीं हमारा पड़ोसी मच्छी सुसाइड ना कर ले। तो इस पर उसकी बीवी कहती है, पागल हो क्या तुम, इंग्लिश मैन कभी सुसाइड नहीं करते। इसके बाद ये ठरकी बुड्ढा बोलता है, चलो सुनो अब तुम मेरी कहानी, मैं हूँ बुड्ढा बहुत हरामी। इसके बाद ये अपनी गली में लौंडिया ताड़ने निकल जाता है, लेकिन उसे लौंडिया तो दिखती नहीं, पर सामने मच्छी के घर से उसे धुआं निकलते हुए दिख जाता है। वो झट से मच्छी के घर पहुंच जाता है, जहां वो मच्छी को अपनी लुगाई की चोली और कच्छी जलाते हुए देखता है। तो बुड्ढा बोलता है, मच्छी भाई ये क्या कर रहे हो, तूफान में छतरी खोली नहीं जाती, चोली से पहले कच्छी नहीं खोली जाती, मुठ मारना शुरू कर दो मेरे दोस्त, क्योंकि जुबान और उंगली से औरत नहीं ठोकी जाती। ये सुनकर मच्छी गुस्से में अपनी बीवी का और भी सामान जलाने वाला होता है, जिसमें उसकी डायरी भी होती है। तभी किसी काम से मच्छी अपने घर में चला जाता है, तो बुड्ढा बॉक्स के अंदर देखता है, कोई चोली और कच्ची तो नहीं बच्ची मेरे सूंघने लायक। लेकिन बुड्ढे को एक डायरी मिलती है, जिसे चुरा के वो रात में उसकी डायरी पढ़ने लगता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां बुड्ढा फिर से लौंडिया ताड़ने बाहर जाता है। वहीं उसकी मुलाकात मच्छी और उसकी लुगाई लाना से होती है, जो कि लंदन से फ्रांस में रहने आए थे। अगले दिन लाना मच्छी के साथ बुड्ढे की दुकान पर ब्रेड लेने आती है। वहीं बुड्ढा लाना को ऐसे देखता है मानो लाना को आंखों आंखों में ही ठोक दे। लाना बुड्ढे के ब्रेड को सूंघने लगती है, वो कहती है, ताजा है या बासी। तो बुड्ढा मन ही मन में सोचता है, जितना सुंदर थोबड़ा है उतना ही बड़ा इसका झोपड़ा है, जब भी मैं तुझे ठोकूंगा तू पात देगी, उसे सूंघ कर तू मुझे ठोकने की दाद देगी। यहाँ से ये ठरकी बुड्ढा लाना को पेलने का प्लान बनाता है। वो अपने कुत्ते को लाना की कुतिया का गेम बजाने भेजता है। इसी बहाने वो बुड्ढा लाना से मिल जाता है, और बातों बातों में बुड्ढा लाना से कहता है, आओ मैं तुम्हें अपना दिखाऊं। ये सुनकर और देखकर मैं भी डर गया था, कहीं ये ठरकी बुड्ढा सही में लाना को अपना केला ना दिखा दे। लेकिन वो लाना को गार्डन का रास्ता दिखाता है, और लाना जब बुड्ढे को बाय बोलकर जाती है, जिसे देखकर 10 साल से मुरझाया हुआ बुड्ढे का केला टन हो जाता है। उसी रात मच्छी बुड्ढे को बुलाने आता है, क्योंकि मच्छी लाना के घर की लाइट भाग गई थी। तो बुड्ढा लाइट को थैंक यू बोलता है, और एक झटके में लाना को ताड़ने के लिए जाके उसकी लाइट सही कर देता है। लेकिन बुड्ढे की किस्मत खराब होती है, वहीं उसकी लुगाई भी आ जाती है। मच्छी और बुड्ढे की लुगाई आपस में बात कर रहे होते हैं, वहीं ये ठरकी बुड्ढा लाना को ताड़ते हुए सोचता है, सफलता की चाबी और घर के सामने सुंदर भाभी हर किसी के नसीब में नहीं होती। तभी लाना बुड्ढे को देख लेती है, वो सोचती है, साला ये तो मेरी रगड़ना चाहता है, ठोकने की इस बुड्ढे को बीमारी लगे, दो बच्चों की माँ भी इसको कुंवारी लगे। वहीं बुड्ढा सोचता है, आंखों से तीर क्या मार रही है, तलवार मार दे, अगर सच्चे दिल से ठुकना है तो सलवार उतार दे। अगले दिन लाना फिर से बुड्ढे की दुकान पर ब्रेड लेने आती है। वो फिर से ब्रेड को सूंघती है, तो बुड्ढा बोलता है, लाना तुम्हारी खुशबू के आगे मेरे ब्रेड की खुशबू कुछ भी नहीं है, क्या तुम मेरी ब्रेड में अपना पानी डालोगी। तो लाना कहती है, क्या कैसा पानी, अरे खुशबू का पानी। तो लाना कहती है, हाँ क्यों नहीं। तो बुड्ढा बोलता है, आजा फिर अंदर। जहाँ बुड्ढा बोलता है, थोड़ा सा आगे करो, थोड़ा सा पीछे करो, हल्का सा जोर लगाओ, टाइट से पकड़ो और धीरे धीरे रगड़ो, और एक बार में पूरा ले लो। जिसे देखकर बुड्ढा सोचता है, ठुकाई में ऐसा कमाल कर दूंगा, चूस चूस के तेरी चूची लाल कर दूंगा। वहीं ये सब काम करके लाना को गर्मी चढ़ जाती है, और वो अपना माल पानी निकाल देती है। जिसे देखकर बुड्ढा सोचता है, बहुत दूध है तेरे सीने में, मजा आएगा दबा दबा के पीने में। यहाँ तो बुड्ढा पागल हो जाता है। वो लाना से कहने लगता है, किसी का दिल अंदर से बड़ा होता है तो किसी का बाहर से। लेकिन लाना मुस्कुरा जाती है और उससे कुछ नहीं बोलती। अगले दिन लाना से एक लड़की मिलती है, वो उसे बताती है, ये देख मैंने अपने चूतड़ों को इतना सुंदर एक्सरसाइज करके बनाया है, तू भी बना ले, मौज आ जाएगी तेरी। ये सुनकर वो एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। वो सोचती है, इससे मेरे भी तरबूज खरबूज बन जाएंगे। थोड़े दिन बाद वो ठरकी बुड्ढा लाना से मिलता है। वो कहता है, तुम बहुत दिनों से मेरी दुकान पर ब्रेड लेने नहीं आई। तो लाना कहती है, मैं डाइटिंग पर हूँ, और ये बोलकर वो चली जाती है। तभी ठरकी बुड्ढा लाना को पीछे से देखकर बोलता है, चाल बदल गई तेरी, लगता है तू बन गई घोड़ी, खूब फुला तू चोड़ी चोड़ी। बुड्ढा वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी लाना के चिल्लाने की आवाज आती है। वहीं बुड्ढा दौड़े दौड़े आ जाता है। वो देखता है कि लाना के पीछे कीड़े ने काट लिया है।
वही बुड्ढा बोलता है मुझे ये खोलना पड़ेगा। तो लाना कहती है खोल दे बुड्ढे, जो खोलना है खोल दे, मेरी फटके 64 हो गई है। तो बुड्ढा बोलता है पिंक पिंक। तो लाना कहती है ठरकी चोली मत देख, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी कुछ कर। तो बुड्ढा बोलता है मुझे चूस का जहर बाहर निकालना होगा। तो लाना कहती है अबे बुड्ढे चूसम चुसाटी जो करनी है वो कर, बस तू मुझे सही कर दे। तो बुड्ढा कहता है पक्का चूसूं? तो लाना कहती है हाँ हाँ जल्दी चूस। और वहीं बुड्ढा लाना की पीठ चूसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इस बुड्ढे के पड़ोस का एक लड़का चुसाटा बुड्ढे के इस कांड को देख लेता है। वो बुड्ढे से बोलता है साले ये कौन सा चुस्सा मार रहा है तू? वहीं बुड्ढा कहता है मैडम को मधुमक्खी ने काट लिया है और मैं चूस चूस कर जहर बाहर निकाल रहा हूँ। वहीं अचानक लाना बेहोश हो जाती है और वो दोनों मिलकर लाना को हॉस्पिटल ले जाते हैं। और जब लाना होश में आती है तो वो बुड्ढे को थैंक्स कहती है और लाना चुसाटा को हवस भरी नजरों से देखने लगती है। और घर जाते टाइम लाना बुड्ढे के कंधे पर सर रख लेती है जिससे बुड्ढे को साथ हुए आसमान की जन्नत का फील होने लगता है। एक दिन लाना मार्केट में सामान लेने जाती है तो वहीं अपनी दुकान से ठरकी बुड्ढा उसे ताड़ने लगता है। तभी वहीं चुसाटा लाना से मिलता है और वो आपस में बात करने लगते हैं। तो वहीं से बुड्ढा अंदाजा लगा लेता है क्योंकि वो जानता है कि ये साला चुसाटा लाना को पेलने की खुराक में है। और मन ही मन खुद से कहता है मैं जानता हूँ कि कुछ समय बाद ये दोनों एक दूसरे की बाहों में खेल रहे होंगे। वहीं लाना चुसाटा को बाय बोलकर चली जाती है। अब घर पहुंचने पर मच्छी लाना से कहता है आज मैंने पार्टी रखी है, तुम शॉप से जाके एक तगड़ा ठर्रा लेके आ जाओ। इसके बाद लाना शॉप से ठर्रा लेने जाती है जहां उसे चुसाटा मिलता है। वो लाना को एक वाइन सजेस्ट करता है और लाना वही ठर्रा खरीद लेती है। ठर्रा खरीद के लाना अपने घर जा रही होती है और वहीं ठरकी बुड्ढा लाना को जी तोड़ देख रहा होता है। उसे लगता है कि लाना अपने घर जा रही होगी लेकिन तभी वो चुसाटा के घर की तरफ गाड़ी मोड़ लेती है। ये देखकर बुड्ढा और सटिया जाता है और लाना चुसाटा के घर में चली जाती है। वहीं ये बुड्ढा चुसाटा के घर के बाहर उसका वेट करने लगता है लेकिन वो काफ़ी देर तक बाहर नहीं आती। तो बुड्ढा सोचने लगता है कि इसको तो अपने घर में होना चाहिए और ये अंदर क्या कर रही है। और मन ही मन सोचता है मैं तो बस इमेजिन कर सकता हूँ कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन फिर बुड्ढा सोचता है नहीं नहीं ये तो बस ड्रिंक कर रहे होंगे और वो अपने घर चला जाता है। उसी रात लाना के घर पर पार्टी होती है। वहाँ पर हमेशा की तरह सब आपस में बात कर रहे होते हैं लेकिन ये बुड्ढा लाना को ताड़ रहा होता है। वो मन ही मन सोचता है मैंने 120 मिनट गिने थे, तूने अंदर कुछ कांड तो किया होगा। तभी वो देखता है कि लाना की गर्दन पर लव बाइट का निशान है, इसने अपने काला तवा मेरे ठोकने से पहले रगड़वा लिया। और सोचता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना मैं उस दिन चुसाटा की कार में इसे हॉस्पिटल ले जाता और ना ही लाना चुसाटा से मिलती। अगले दिन बुड्ढा चुसाटा से मिलता है। वो कहता है बेटा पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है तेरी? तो वो कहता है यार मैं पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो बुड्ढा सोचता है साले कंसंट्रेट कैसे करेगा, तुझे तो ठुकाई की मौज मिल रही है। लाना को बचाते हुए बुड्ढा बोलता है बेटा ठुकाई करो डेली, अगर वो मिल जाए अकेली, अगर ना मिले अकेली तो पकड़ लो उसकी सहेली, अगर ना मिले सहेली तो जिंदाबाद हथेली, बट ठुकाई करो डेली। इसके बाद बुड्ढा फिर से लाना को चुसाटा के घर जाते हुए देखता है जहां हम देखते हैं कि चुसाटा लाना का गेम बजा रहा है। ये देखकर बुड्ढे के दिल में 440 वोल्ट का झटका लग जाता है। वो सोचता है हैंडपम्प पे एतबार किसको है, मिल जाए ठोकने को तो इनकार किसको है, बहुत मुश्किलें हैं तितली पाने में दोस्त, वरना मुठ मारने से प्यार किसको है। आगे दिखाते हैं कि लाना का पति कुछ समय के लिए लंदन गया है और लाना अपने खरबूजों में भूकंप लाते हुए बुड्ढे की दुकान पर ब्रेड लेने आती है और जाते टाइम वो एक ब्रेड बुड्ढे की दुकान पर भूल जाती है। तो बुड्ढा झट से वो देने उसके घर आ जाता है लेकिन उस बुड्ढे को गपागप की आवाज बाहर से ही आने लगती है। वो समझ जाता है कि अंदर पलंग तोड़ खेल बज रहा है। वहीं बुड्ढा सोचता है मेरी बंदी ये ठोक रहा है, मैं कब ठोकूंगा। अगले दिन लाना का पति मच्छी घर आ जाता है और लाना उससे ये बोलकर घर से निकल जाती है कि वो वॉक पर जा रही है। लेकिन लाना पीछे वाले गेट से सेक्सी सैंडल्स पहनकर सीधे चुसाटा के घर पहुंच जाती है जहां चुसाटा लाना को दबा दबा के हैंडपम्प देता है। तभी चुसाटा की माँ की एक मूर्ति टूट जाती है और उसकी फटके 4 हो जाती है। वो कहता है मेरी माँ मुझे जान से मार देगी। लेकिन लाना कहती है मेरा पति कारपेंटर है, वो 2 झटके में इसे सही कर देगा। सुनो मेरे पास बस 1 घंटा है, जो करना है जल्दी कर लो। आग ठंडी होने के बाद लाना चुसाटा से मिलती है। वो कहती है तू लंदन चलेगा हमेशा के लिए मेरे साथ? तो चुसाटा कहता है मैं मरते दम तक साथ चलूंगा तेरे। अगले दिन लाना बुड्ढे की दुकान से ब्रेड लेने आती है। लाना बुड्ढे से कहती है अब मैं थोड़े दिनों में हमेशा के लिए लंदन चली जाऊंगी। ये सुनकर बुड्ढे को 880 वोल्ट का झटका लगता है। वो सोचता है कि मैंने अभी इसके दुकान का गोदाम नहीं बनाया और ये चुसाटा से छिदवा के भाग रही है। वहीं लाना के जाने के बाद बुड्ढे की लुगाई बोलती है ये आज हवा में कैसे उड़ रही है, क्या बात है। अगले दिन चुसाटा की माँ मुझसे मिलने आती है जहाँ वो उससे बोलती है हाँ बे ठरकी मेरी मूर्ति कहाँ गई। वो कहता है उसमें जरा स्क्रैच आ गए मॉम, जो मैंने बनने के लिए अपने पड़ोस में मच्छी को दे दी है। तभी लाना का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम मेरे साथ लंदन चलो, लेकिन चुसाटा उसे मना कर देता है क्योंकि वो अपनी माँ के साथ पेरिस वापस जा रहा था। तो लाना ये मैसेज पढ़कर रोते हुए चुसाटा के गेट से ही वापस चली जाती है
और चुसाटा का दुनिया के हर कोने के साथ चलने वाला वादा अपनी माँ की एक डांट से टूट जाता है। वहीं चुसाटा अपनी माँ के साथ चला जाता है, जिसे देखकर ठरकी बुड्ढा खुश, अब मैं ही पेलूंगा लाना को। उसी रात लाना मच्छी से कहती है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो लाना के बोलने से पहले मच्छी समझ जाता है कि इसने अपना गेम बजवा लिया है। मच्छी बैग उठाकर वापस लंदन चला जाता है। अगले दिन जंगल में घूमते घूमते बुड्ढे को लाना की कुतिया मिलती है और वो उसे उठाकर लाना के घर पर पहुंच जाता है, जहां लाना उसे 2 मिनट घर के अंदर आने को कहती है। वो बुड्ढे को एक लेटर दिखाती है जो चुसाटा की मॉम ने भेजा था, जिसमें लिखा होता है, मेरा स्टैचू लौटा दो वरना हम तुम पर केस कर देंगे। तो वहीं लाना उस बुड्ढे से उसका जवाब लिखने को बोलती है, लेकिन वो उससे 2-3 दिन का समय मांगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लाना का एक्स बॉयफ्रेंड उसके घर आया है। तो लाना उससे कहती है, तू क्या अपनी गर्मी मिटाने आया है, लेकिन वो उससे अपनी पुरानी गलतियों की माफ़ी मांगता है। अगले सीन में लाना अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ चुम्मा चपाटी करती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर बुड्ढा बावला हो जाता है। साला सब चिपट रहे हैं, मैं कब चिपटूंगा। इसके बाद हम लाना को अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात करते हुए देखते हैं, जहां वो कहती है, जो हुआ था वो गलती से हो गया, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इसके बाद लाना अपने पति मच्छी को कॉल करती है, जहां वो उससे कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जान, मुझे माफ कर दो। अगले सीन में हम देखते हैं कि लाना बुड्ढे को बुलाती है। वो पूछती है, लिख दिया लेटर मेरे बुड्ढे, लेकिन वो उसे बता देता है कि मैंने ही चुसाटा की माँ को लेटर लिख के यहाँ बुलाया था और वो उसे ले गई। तो लाना बुड्ढे से पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया। तो बुड्ढा कहता है, मैं उस बच्चे की जिंदगी खराब नहीं होने देना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया, लेकिन वो तो हमें पता है, ये बुड्ढा अपना रास्ता साफ कर रहा था। वहीं बुड्ढा कहता है, नफरत करती हो तो कह दो, यू गैर से ठुकवा कर क्यों दिल जलाती हो। तो लाना कहती है, आजा बुड्ढे आ ठोक दे। तो बुड्ढा कहता है, देख के तेरी फटी सलवार, उठ पाई मेरी छोटी सी तलवार, जब उस तलवार से मैंने किया वार, उससे निकलेगी एक ऐसी धार, जिससे बन जाएगा अपना परिवार। ये सुनकर लाना उसे चुम्मी दे देती है, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी। इसके बाद बुड्ढा भी पलंग तोड़ देता है, फाइनली बुड्ढे ने पेल ही दिया। इसके बाद हम लाना के एक्स बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो लाना को अपने साथ लंदन जाने को बोलता है, और वहीं मच्छी भी घर आ जाता है। उसके थोड़ी देर बाद मच्छी बुड्ढे के पास आकर बोलता है कि मेरी वाइफ को कुछ हो गया है। वहीं बुड्ढा पूरी जान से भाग कर जाता है, जहां वो देखता है कि लाना किचन में पड़ी है और उसका बॉयफ्रेंड वहीं बैठा है। अब पुलिस आती है, उसे ले जाती है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि आखिर लाना को मारा किसने, वो अभी पता लग जाएगा। वहीं अगले दिन बुड्ढा पोस्टमार्टम के बाद पुलिस से लाना की मरने की वजह पूछता है, क्या लाना ने जहर खाया था। तो पुलिस वाला कहता है, नहीं, उसकी मौत उसके गले में फंसे हुए एक ब्रेड के टुकड़े से हुई थी। ये सुनकर बुड्ढा चौंक जाता है। अगले दिन वो मच्छी से मिलकर कहता है कि लाना की मौत मेरी वजह से हुई है, क्योंकि वो ब्रेड मैंने बनाया था। तो मच्छी कहता है, नहीं, उसकी मौत मेरी वजह से हुई है, क्योंकि जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि लाना का एक्स बॉयफ्रेंड उसके पीछे से धक्का लगा रहा था, मुझे लगा वो उसको ठोक रहा है, तो मैं और उसके बीएफ आपस में लड़ने लगे, तो लाना की मौत हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद लाना का बॉयफ्रेंड आता है, वो कहता है, लाना की मौत मेरी वजह से हुई है, क्योंकि जब वो ब्रेड खा रही थी तो मैं उसे पीछे से चूम रहा था, जिससे ब्रेड का टुकड़ा उसके गले में अटक गया और उसकी मौत हो गई। तो आखिर इस भाई ने मारा है। अगले दिन हम चुसाटा को लाना की कब्र पर फूल चढ़ाते हुए देखते हैं, जहां वो सोचता है कि लाना की मौत मेरी वजह से हुई है। और मूवी के स्टार्टिंग में मच्छी जो अपनी लुगाई के कपड़े जला रहा था, वो लाना की मौत के बाद का सीन था, अब समझे मेरे दोस्त। इसके बाद 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ठरकी बुड्ढे का बेटा उससे कहता है, बापू, हमारे पड़ोस में एक रशियन लड़की रहने आई है। ये सुनकर ठरकी तेजी में जाके उसका वेलकम करता है। भाई, सबकी ठरक खत्म हो गई, लेकिन इस बुड्ढे की नहीं हुई। और यही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी का नाम है गेमा बॉबरी, जो कि साल 2014 में रिलीज हुई थी। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया होगा। अगर दोस्तों मेरा एक्सप्लेन आपको पसंद आया हो, तो आज ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और एक कमेंट भी जरूर करें। और हाँ, अगर आपने मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दें जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।